होटल चोरी फ्रिज वाला कम वाला ना जानबे कर भाई लोग। यहाँ पे देखिए एक भूरे कलर की भैंस बिक रही है, गाभिन भैंस है, कहीं ना कहीं इसकी खरीदी अभी अभी कर लिया गया एक बाहरी ग्राहक द्वारा। कहाँ के हैं ये ग्राहक? आगरा। आगरा वाले जो भी व्यापारी यहाँ पे आते हैं ज्यादातर गाभिन भैंस ही खरीद के लेके जाते हैं। कितने? 39,000 रुपए में, 540। बाबू थोड़ा घुमाओ तो पानी को, नहीं भैया सर इसका बच्चा क्या है पाड़ा? अभी अभी ये मेला मंडी में बिक्री होने के लिए आई है, नहीं भैंस है। ले आओ बाबू इधर ले आओ तो एक बार घुमा। अरे एक महीना बीत के तुम जियत रहा तो देबे ना करो। घुमा पहले में है दूसरी में? पहली है, पहली चार दांत दिए। क्या भैया ठीक बना? दांत में चार दांत, बच्चा इसके पास पाड़ा है। बच्चा कितने दिन का हो गया? 8 दिन का। अभी दूध कितना कर रही है? दूध 3.5 किलो दे रहा है। 3.5 किलो टाइम का दूध दे रही है भैया का कहना है जिनकी भैंस है। और का दाम रखे हैं इसका? 60-62 मांगा। 60-62 मांगा जा रहा है, कहाँ तक हो जाएगी? हो जाएगी 55 तक। 55 एक नजर से देखा चल। इस नई भैंस को 55,000 रुपए में बताया जा रहा है। बच्चा इसके पास देख ही रहे हैं पाड़ा है, और अभी अभी ये मेला मंडी में बिक्री होने के लिए आई है। अगर ये भैंस तुरंत बिकती है तो तुरंत हम आप लोग को दिखाएंगे। भाई लोग इस तरह के वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत ही अथक मेहनत करना पड़ता है, तो इस तरह के मेहनत भरे वीडियो के लिए जो इस तरह का सिंबल है लाइक का, उसे आप लोग क्लिक कर दिया करें, टच कर दिया करें, ताकि मेरा उससे मनोबल बढ़ा रहे, बना रहे, और मैं इस तरह के वीडियो को तैयार करूं। अगर इस भैंस के लिए कोई अच्छे से बातचीत करे तो ये भैंस 50 के इर्द गिर्द हो जाएगी। काफ़ी अच्छी भैंस है, नई भैंस है। दांत दिखाइए तो, दांत दिखाइए। नहीं दिखा रही है, चार है कि छह? छह। काली का भी आई फिर भैया। ये भैया चौसा के भी मेला मंडी में भैंसों को बेचे हैं ले जाके। जब दिलदानगर की मेला मंडी बंद थी तो बहुत से लोग, जो बहुत से व्यापारी लोग हैं या फिर किसान लोग, वो आश्रित हो गए थे बिहार के मेला मंडी के। लेकिन जैसे ही ये मेला मंडी खुली इसके बाद देखिए अपनी अपनी भैंसों को लोग लेके यहाँ तक आ गए। थोड़ा इधर इधर चाल ढाल में कोई भी कमी नहीं है। एक भैंस को भैया इसीलिए घुमा फिरा के दिखा रहे हैं ताकि आप लोग देखें तो इस भैंस को देखते ही समझ जाए। सभी भैंसें चलने फिरने वाली होती हैं, जो भी हम भैंस को दिखाते हैं आप लोगों के लिए तो भैंस उचित होती है तभी हम दिखाते हैं, अनुचित भैंस को नहीं हम दिखाएंगे। इसका बच्चा क्या है भैया? बच्चा इसका पाड़ा।
बच्चा इसका पाना है, ये रहा बच्चा, कल का है, कल का बच्चा है। इस मेला मंडी में या तो नई ब्याई हुई भैंसे आएंगी या तो गाभिन, यही दो तरह की भैंसे आती है, बाखड़ी नाम की कोई चीज नहीं है। कौन से बयान में है ये? दूसरा। ले लो चाचा, पानी भी आई है अबे 3-5 दिन का। दूसरे बयान में बताई जा रही है इसका दूध क्षमता टाइम का 5 लीटर के आसपास होगा एक टाइम का। महीन और बारीक चमड़ी वाली है ना। इसका कीमत हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। वो भैया गए हैं वहाँ पे, देखिए भैंस घुमाने के लिए। क्या उसका दाम रखे हैं जी इस भैंस का? हाँ 75,000। 75,000 रुपए कीमत इस भैंस का बताया जा रहा है। देखे में का भइल बा। हेलो बंद हो जा, बंद हो चले बाटी ना चले बोला। अब पीछे वाला का खुलले हो जाएगा पकड़ेगा तो घुमाएंगे एक बार। इस भैंस की खरीदी करने के लिए देखिए एक बनारस से एक चाचा आए हैं। क्या नाम है जी? राजेश पाल। राजेश पाल हैं और कहीं ना कहीं इनको ये भैंस पसंद आ रही है, ये बातें चला रहे हैं इसकी खरीदी के लिए। आगे बढ़ाइए। इनके कुछ बच्चे भी आए हैं ना घर से, लड़के लोग हैं और कहीं ना कहीं इसकी खरीदी के लिए बातें चला रहे हैं। घुमा लिया बा। नीचे से इसका दाम रखने वाली है, ठीक ही ठाक है, लेकिन थोड़ा भैंस के कद काठी के अनुसार थोड़ा इसका और रहता तो बढ़िया रहता। क्या दाम दिया? 1,00,000। ज्यादा नहीं है बाबा? ज्यादा ना बा, जितना ज्यादा बा भैया होके आप न बताइबो, जितना ज्यादा होता होके आप न बताइबो। 1,10,000 रुपए कीमत व्यापारी के द्वारा बोला जा रहा है। जानकारी के लिए मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ जब भी आएंगे या फिर किसी भी मेला मंडी में जाएंगे तो जो कीमत आप लोग को बताया जाएगा व्यापारियों की तरफ से ऊंचा ही बताया जाएगा। कहीं ना कहीं वो लोग चाहते हैं सुनना कि आप कितना लगा रहे हैं, इसीलिए वो दाम को फेंक के ऊपर बताते हैं, है ना, ऊंचा बताते हैं, आप ही उसका रेट लगाएंगे। वो लोग देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आप कितना देने वाले हैं, है ना। 65,000 रुपया दाम देने वाले हैं। 65,000। देखिए खरीदी करने वाले व्यक्ति इसका कीमत 65,000 लगा रहे हैं। बच्चा पाड़ा है ना? पाड़ा हो या पाड़ी हो, पाड़ा ही है जो भी है। बच्चा पाड़ा है, पाड़ी, माफ कीजिए, पाड़ी है। भैया बेचने वाली बताइए तो मांगने वाली बता रहा हूँ। दो लोगों की आपस में सामंजस्य की बात है, अगर समझ में आ जाए इनको इनको तो फिर बात बन जाएगी। ठीक है, ठीक है। अरे नहीं नहीं वो तो ठीक बताओ, व्यापारी ना है घर का भैंस ही हो, एक बार नहीं 5 बार लगा के दोला भैंस को भाई लोग। जब से ये भैंस इस मेला मंडी में आई है तब से बहुत से ग्राहक इस भैंस को खरीदने के लिए लगे हुए हैं। आज के इस मेला मंडी की सबसे बढ़िया भैंस में से एक है, यानी इसकी गिनती अच्छी भैंस में से है। इस भैंस की खरीदी करने के लिए ये लोग भी आए हैं ना, और कुछ
अन्य लोग भी हैं, हम अपने सामने ही देख रहे हैं, कई लोग आए हैं। बच्चा इसके पास पड़ गया है। अब हम लोग देखेंगे कि इसकी बिक्री कितने रुपए में हो रही है। अगर ये भैंस बिकेगी तो हम तुरंत आप लोग को दिखाएंगे। बात कर मुँह पकड़ा हलो इनके दुख लगे तकलीफ लगे हम खतरा कर नाइ दूध गाड़ल जला हार बार मारल जला इस भैंस की खरीदी किसी डेयरी फार्म के लिए अभी अभी किया गया है। का भाई बच्चा पाड़ा है, ये गाजीपुर में ही एक डेयरी फार्म है, उसमें ये भैंस जाएगी दुहाई के लिए। ये बयान में अगर ज़्यादा है लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, दूध के लिए सबसे अच्छी भैंस। कितने पे खरीदे हैं भैया? 53,000 रुपीज, यानी 53,000 रुपये में इस भैंस की खरीदी हुई है। ठीक है यार, है ना? तो डेयरी में कितना भैंस रखे हैं जी? 6 भैंस 6 गाय 6 भैंस। गाजीपुर में किस जगह पे है डेयरी? सिकंदरपुर। आपका वीडियो हम लोग रोज देखते हैं, प्रतिदिन चौसा मेला का यहाँ का आपकी कोई तैयारी कर रहे थे मेला में। सौभाग्य देखिए कि मिल भी गए, चेहरा से पहचान लिए ना। चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया खरीदी किए हैं भैया 53,000 रुपये में, है ना? डेयरी के लिए सबसे बढ़िया भैंस। 65,000 की भैंस है, सस्ता में बेच दिया। हाँ बहुत बढ़िया बढ़िया है, दुहाई के लिए सबसे बढ़िया। आज के समय में आपको तो मालूम होगा भैया कि लोग जाते हैं घाट वोट पे से पाड़ी खरीदते हैं तो 50,000 की पड़िया खरीद ले रहे हैं 40,000 रुपए की। अभी तो भैंसी है, चलिए वीडियो डाल लीजिएगा तब कम कम मीडियम लड़का देखेगा ना कि हाँ बेटा गए, सलाम का नंबर लिख के रखा था वो। चलिए कोई बात नहीं, सौभाग्य देखिए, थोड़ा घुमाइए तो। पर्ची यहाँ पे तैयार हो रही है, वीडियो जरूर। 53,000 रुपए वाली भैंस को घुमा के दिखाया जा रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, इशारा में आते सही है ना? हाँ हाँ बहुत बढ़िया, खोला भैंस में आती है ये सब गिनती। डेरी डोरी वाली के लिए सबसे बढ़िया भैंस। अब चौथा भी रहे तो उससे कोई मतलब नहीं है, आपका ही पैसा निकल जाएगा। अब हम इसीलिए आपको जो रहते हैं कि आप दाम सही लगाते हैं, मोबाइल देखते हैं ना? नहीं सही दाम, सही दाम में है, सही दाम में है, तो इसीलिए हम आपको इंतजार कर रहे थे। वक्त तो क्या मैं बेटा आएगा, सही दाम में है। ठीक है ठीक है, हाँ भेज दिया है ये। हाँ ठीक है, हाँ कितना तक दी है? कल 50,000 रुपये भाई लोग। ये जो लंबी और बड़ी भैंस आप लोग देख रहे हैं, ये दिलदार नगर के मेला मंडी में सुबह से ही बिक्री होने के लिए आई है। काफ़ी ऊंची और लंबी भैंस है, इसके पास बच्चा पड़िया है और इसको खरीदी के लिए जब से ये मेला मंडी में भैंस आई है तब से करीब दर्जनों से ऊपर ग्राहक देख रखे हैं और कहीं ना कहीं अपने सामर्थ्य शक्ति के अनुसार कीमत लगा रखे हैं, है ना? कोई व्यक्ति इसका 1.20, 1.30 यहाँ तक कीमत लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बेचने वाले व्यक्ति हैं उसके पड़ते में नहीं आ रही है। यही कारण है कि देखिए अभी तक ये भैंस इस मेला मंडी में ठहरी हुई है, रुकी हुई है, बच्चा इसके पास पड़िया है। अरे
भाई लोग यहाँ पे देखिए एक नई पड़िया है, गाभिन पड़िया है, और वो यहाँ से मेला मंडी में बिक्री होने के लिए आई है। इसको यहाँ पे 41,000 रुपए में तय किया जा रहा है। कितना मांग रहे हो दाम? पचपन मांग रहे हो। नए नए युवा लड़के हैं और कहीं ना कहीं आज पहला बार पैर रखे हैं, ये 55 बोल रहे हैं लेकिन इसको 41,000 पे तय किया जा रहा है। सिर्फ 1-2,000 रुपए का फर्क है, ये लड़का 42-43 में देने को तैयार है। अब हम लोग देखेंगे कि इसकी बिक्री कहाँ तक होती है। लो, इसकी खरीदी भी यहाँ पे हमें लग रहा है कि हो भी गया। फिर भगई पे 41 पर हम का चुप ले थे का तुम हम 500 ना दी 41 पे ये तय हो गई। बचना है तोरे खातिर इतना मेहनत कर रहा है पेट मर बे तोरे खातिर इतना मेहनत है एकदम गड़ैया चौका तो हम बड़का होबे ना ए जाली भैया बोला रे मैं तो फिक्स है जाली भैया पूरे 41,000 रुपए में इसकी खरीदी किया जा रहा है। नई गाभिन पड़िया यहाँ देखिए श्री राम बाबा की एक और भैंस बिक रही है। नहीं नहीं बरोबर है, दूध बराबर है, वो तो हम देख रहे हैं बार बार। आप किस जगह से आते हैं चाचा? बिहार कैमूर से। कैमूर जिला से आते हैं, तो कितनी भैंस लाए हैं? 4 लाए था, 2 बीघा की 2 बच्ची। तो गाभिन लाए हैं कि दुधारू लाए हैं? दुधारू लाए हैं, 16 लीटर देती है, सहीवाल है। सहीवाल भैंस का कौन सा नस्ल हो गया कि सहीवाल आ गया? तो सहीवाल नस्ल तो गाय में होता है ना जी। सिंह की उबड़ खाबड़ है, इसके पास बच्चा हम देख रहे हैं, पाड़ा है, नाटक अदमे है ना जी। तो कौन सा नस्ल है? पंजाब प्योर हरियाणा। तो उस समय बोल रहे थे सहीवाल, अब बोल रहे हैं पंजाब। थोड़ा नाटक अद की भैंस है लेकिन डेयरी फार्म के लिए सबसे बढ़िया। 16 किलो करेगी। 16 किलो बल्टी में नहीं दुहाएगी, डब्बा। बच्चा इसके पास हम देख रहे हैं, पाड़ा है। क्या दाम रखे हैं इसका? 85 मांग रहा हूँ भैया। 85 मांग रहे हैं। कितना दूध करेगी? दूध करेगी 16 लीटर। 16 लीटर दूध दे रही है 16 किलो। तो हमको 7 किलो टाइम का करने वाली भैंस चाहिए। 7 किलो हो जाएगा, थोड़ा घटे बढ़ेगा तो बच्चा भी तो पिएगा ना, हो जाएगा तब। फिर दमोह बोले 85,000। जरा देने वाला बोलिए ना। देखिए ये वीडियो जो बन रहा है ना, तो वीडियो हमारे और आपके लिए नहीं ना बन रहा है, अन्य लोगों के लिए भी बन रहा है। लोग अपना अपना कहीं ना कहीं भाव ताव देखते हैं। अगर अच्छे रेट में बोलेंगे तो लोग आपको भी जानेंगे, इस मेला मंडी को भी जानेंगे। 70 ले कम बनेंगे। 70 ले, इससे कम नहीं, हमारी खरीदारी ऊपर ही, लेकिन आज बाजार नहीं है, हम इसके लिए बेच रहे हैं। 70 ले कम बनेंगे। 70 भाई क्या करिए भैया? 70,000 रुपए में इस भैंस को यहाँ पे बता रहे हैं, बच्चा पाड़ा है अपना, डेयरी फार्म के लिए सबसे बढ़िया उपयोगी भैंस है। सिंह की उबड़ खाबड़ है लेकिन दूध से मतलब रखने वाले व्यक्तियों के लिए सबसे सही ऑर्डर है इसका। कितने पे? 52.5 पे हो रही है। खरीदार व्यक्ति कौन है? हाँ हाँ, गांव में ले जाएंगे और आप दिलाए हैं।
बच्चा बच्चा पढ़िया मजे की बात है। 52.5 पे हो रही है, बहुत सुंदर। सुनो भैंस ले लिया हमार तोहार खरीदा लिया गाड़ी लिया बहुत बढ़िया खरीदी हुई है। एक नई भैंस है मुर्रा। बहुत से लोगों की चाहत रहती है कि इस तरह की रिंग सिंग वाली भैंस खरीदे, उनके लिए देखिए सही भैंस। दुहाई में हम देख रहे हैं सबसे सही। अरे आप धार मारिए ना, वीडियो का जरूर चढ़ाइए। बहुत बढ़िया सुंदर। पहले कितना मांग रहे थे इसका? 65 मांगत रहे, 75 मांगत रहे हैं। तब का चलिए ठीक है, घुमा दीजिए भैया। बहुत बढ़िया, एक अच्छी भैंस की खरीदी हुई है। सिंह काफी छोटा छोटा है इसका। बढ़ाइए चाचा बढ़ाइए, बच्चा इसके पास नीचे पड़िया है। ठीक है बहुत बढ़िया। अरे एक लाख का होती कतना रुपए नफा कमाए हैं चाचा? सही है, घाटा घाटा भइल ना। चाचा थोड़ा रसीद दिखाइए। 52,500 500 में इसकी खरीदी, 52,500 पूरे पूरे 52 पे ही पड़ी है, लेकिन पर्ची को लेके 500 रुपए हो जा रहा है। ये लो बाबू पकड़ा। सुनो पूरा हो गया लिखाई। कौन सा भैंस का सौदा हो रहा है? अरे दे दो भैया, भाई लोग यहाँ पे देखिए अभी अभी एक भैंस का सौदा हुआ है। गाभिन भैंस है, साढ़े 43 में ये भैंस हो रही है। हाँ हाँ साढ़े 43 साढ़े 43 में भैंस अभी अभी खरीदी जा रही है। छोड़ा भैया कितना में हो जाता है? 43 में वीडियो बना दूंगा। खरीदार व्यक्ति कहाँ के हैं? बिहार के। बिहार के? जी भाई साहब बिहार के हैं ये लोग। भाई साहब बिहार, हम यूपी के हैं भाई साहब। बना लो बना लो। ठीक हो भैया? हमारे ठीक हो भैया। भैया भैया गाभिन भैंस ले जाएंगे। गाभिन भैंस अच्छा अच्छा। खरीदार व्यक्ति कौन है? वो है वही है। अरे यार अच्छा, मतलब की भैंस है और वो भी कभी कभी मेला मंडी में बेचते हैं, लेकिन आज देखिए यही खुद खरीदे हैं।
है ना जी हम खरीदे। और दिलदार नगर की मेला मंडी के दिन जो है सब्जी वाला भी काम करते हैं, सब्जी मंडी में बहुत मेहनती आदमी है बेचारे, हम जानते हैं भाई मेहनत करने में क्या बुराई है। नहीं सही बात है, रविवार के दिन दिलदार नगर की मंडी में भैंसों का क्रय विक्रय करते हैं और इसके बाद मेला मंडी नहीं रहेगा तो सब्जी मंडी में काम करते हैं। बहुत बढ़िया, हम 1 लाख को दिया, 1 लाख लिखवाई बाबा ने वीडियो भी हम छुरी है गलती बात लिखिए 43 पे हो रही है ना छोड़ा ही बात में 43 पे 43 पे लिखाई दे पता नहीं भाई हो जा लिखाई दे 43 43.5 हो गया, 500 रुपए बढ़ गया, 43.5 हो गया ना जी जी सर। ये भैया लोग जो है ना यहाँ से गाभिन भैंसे खरीद के लेके जाते हैं और जब बच्चा कर देगी, जब ब्याज आएगी तो फिर इसको लेके आएंगे इसी मेला मंडी में बेचने के लिए। गाभिन है, अच्छी है, रामानंद जी बड़ी भैंस है आपका नजर से क्या होना चाहिए उसका कीमत? दियात भाई 1.20 दियात भाई 1.20 हम तो उसका 1.30 दे रहे हैं, 35 दे रहे हैं। भाई लोग जब से ये बड़ी भैंस इस मेला मंडी में आई है तब से बहुत से ग्राहक इसके पीछे आए हैं खरीदी करने के लिए, है ना। शाम का समय हो चुका है और ऐसे में अब हम लोग देखेंगे कि ये भैंस कितने में बिक रही है। कई ग्राहक करीब दर्जनों की संख्या में इस भैंस को लोग देखे हैं, उससे कहीं ज़्यादा ही देखे हैं, लेकिन दर्जनों की संख्या में लोग कहीं ना कहीं बातें चलाए हैं। कोई 1, 20, 30, 35 इस तरह से लगा लगा के गए हैं। धनंजय भैया आप कितना लगा रहे हैं इसका? 1.35 देखिए एक बगल में ग्राहक है और कहीं ना कहीं ये भी इसका कीमत 1.35 लगा दिए हैं। फुल साइज है मेरे बराबर से है। जी बोलिए। इस मेला मंडी में देखिए मनोज भाई आए हैं, पटना से आए हैं मनोज भाई, भागलपुर। अच्छा भागलपुर से, माफ कीजिएगा, आप बता रहे थे कि हम पटना में रहते हैं वैसे रहने वाले भागलपुर के हैं, है ना मनोज भाई हैं। और ये देखिए दिलदार नगर की मेला मंडी की सबसे बड़ी भैंस को देख रहे हैं। सुबह ही आ गए होते लेकिन कहीं ना कहीं इनकी गाड़ी लेट हो गई, इसी वजह से शाम के समय में आए हैं। मनोज भाई भैंस कैसी है? बहुत अच्छी है भैंस, कीमत बस अच्छा नहीं है। अब देखिए चलिए सौभाग्य है कि आप वहाँ से यहाँ तक आ गए। कौन सा ध्यान में है? तीसरे से कम नहीं हो गया, सिंग बनाया हुआ। हाँ सिंग रगड़ा गया है। जो पशु प्रेमी व्यक्ति होते हैं वो कहीं से भी चले आते हैं। देखिए मनोज भाई हम पहली बार आए हैं इस मेला में, हमको देख करके भैंस बहुत अच्छी। देखिए मनोज भाई ये मंडी जो है आप समझ लीजिए कि पूरे 2 महीने के करीब 2 महीने के तक बंद था ये, है ना। इसके बाद अचानक मंडी देख रहे थे आपका सारा समय अनुसार लगी है, है ना, सारा मैसेज को देख, यानी काफी दिन के बाद लगी है तो भी फिर भी इसमें बहुत बढ़िया भैंस है और भीड़ थी। अब तो घूमने के ख्याल से हम आ गए कि देखते हैं कैसा, पर हम सुनते थे कि दिलदार नगर का बहुत बढ़िया मेला लगता है भैंस का, लेकिन आज हम नजर से देखने आ गए। ठीक है ऐसा नहीं कि संडे नहीं का दिन था, जॉब करते हैं तो हमको आज रेस्ट था तो हम घूमने आ गए। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए एक ग्राहक है और इस भैंस को लेने के लिए ये भी आग्रह कर रहे हैं जिनकी भैंस है उनसे। कई ग्राहक यहाँ से वापिस लौटे हैं। मनोज भाई
भाई लोग यहाँ पे देखिए इस भैंस के सिर के ऊपर देखिए मुंह के ऊपर दूध दिख रहा होगा। यही भैंस आज की इस मेला मंडी की सबसे बड़ी भैंस थी और अच्छी भैंस में से एक थी। इसके पास देखिए बच्चा पणिया है और हम किसी अन्य कार्य की वजह से कहीं निकल गए थे 1,57,000 और हम जैसे ही यहाँ पे आए तो हमें मालूम चला कि ये भैंस बिक गई। भुवर भाई कितने में दिलाए हो इसको? सही 1,57 की 1,40 सही बोलिए। अरे भाई पुर्जा पर लिखो ला अभी। हाँ हाँ 1,57 थोड़ा भुवर भाई थोड़ा सा बाहर निकलिए तो अब जो क्या करवा। अरे 12 से दूध निकल बस 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 12 से 14 से दूध निकल गए। वैसे हमारे अपने नजदीकी जो ग्राहक थे वो इसका कीमत 1,40 लगाए थे। बस बस ले चलिए बांध दीजिए। बच्चा पणिया है और आज के इस मेला मंडी की सबसे बढ़िया अच्छी भैंसों में एक थी। बनारस गई है ना? नहीं, सकल दिया। सकल दिया। सकल दिया।